नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आपका दिव्यांग न्यूज चैनल के कला जगत कार्यक्रम में। कला जगत एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर हम विशेष कलाकारों को अपने पास बुलाते हैं और उनसे उनके बारे में, उनकी जीवन के बारे में, उनके जीवन की बारीकी में जाकर कुछ उनसे संवाद करते हैं और समझते हैं कि ये ऐसे महान कलाकार कैसे बने। तो आज इस कला जगत के कार्यक्रम में हमारे साथ भजन सम्राट अनूप जलोटा जी, जो पद्मश्री अवार्डी है, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। तो मैं स्वागत करता हूँ सर आपका इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी। सारा देश विदेश सब आपको जानते हैं, गजल और भजन के आप सम्राट हो। और सच कहूँ तो मैं भी जब बचपन में आपका फैन रह चुका हूँ, आज भी हूँ। ये जो आपकी जो यात्रा रही, मूल आप पंजाब से हो और पंजाबी हूँ लेकिन मैं लखनऊ में रहा। अच्छा। मेरा जन्म नैनीताल में हुआ। लखनऊ के नज़दीक जो हिल स्टेशन है वो नैनीताल। नैनीताल बहुत प्यारी जगह, लोग घूमने जाते हैं। तो मेरे मम्मी डैडी भी वहाँ घूमने गए थे, दो गए थे, तीन हो गया। क्या बात। मेरा जन्म वहाँ हो गया। इस तरह मैं नैनीताल में पैदा हुआ लेकिन लखनऊ में रहा। तो फर्स्ट 20 ईयर्स शुरू के जो 20 साल हैं वो हमने लखनऊ में गुजारे। वहीं पहले सहाय सिंह हाई स्कूल में पढ़े, फिर के कॉलेज में पढ़े, उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए किया, साथ में भातखंडे म्यूजिक कॉलेज से संगीत सीखते रहे। तो इस तरह वो 20 साल बड़े खूबसूरत लखनऊ में गुजारे, फिर मुंबई आके काम शुरू कर दिया। क्या बात है। तो आपके पिताजी पुरुषोत्तम जलोटा साहब, वो भी बहुत बड़े कलाकार थे। तो ये आपने, आपकी रुचि थी म्यूजिक में, गज़ल में, भजन में, या फिर आपके पिताजी की रुचि थी? हम लोग 5 भाई बहन हैं। अच्छा। जब पिताजी रियाज करते थे तो मैं ही वहाँ बैठ जाता था। अच्छा। वो देखते थे और तो खेलने चले गए, कुछ और कर रहे हैं, तो उनको लगा इसको शौक है। मैंने उनके साथ गाना भी शुरू कर दिया, उनके प्रोग्राम में जाके पीछे बैठ जाता था। तो उनको लगा कि उनका नाम मैं आगे लेके जाऊँगा, तो मुझे उन्होंने सिखाना शुरू किया। और 7 साल की मेरी उम्र थी जब उन्होंने मुझे स्टेज पर कहा कि यार गाओ, अकेले गाओ। तो मेरा पहला जो कॉन्सर्ट हुआ वो 7 साल की एज में हुआ। अब मैं 66 का हूँ, मतलब पिछले 59 ईयर्स से मैं गा रहा हूँ। क्या बात है। क्या बात है। तो ये आपने जैसे बताया, तो इसमें बहुत सारा संघर्ष भी रहा होगा? कुछ हैगा, एकदम इजी संघर्ष। संघर्ष नाम डिक्शनरी से हटा देना चाहिए। क्या बात। क्योंकि वो जो संघर्ष के दिन होते हैं वो ट्रेनिंग पीरियड होता है। क्योंकि जैसे ही सक्सेस मिल जाती है, नाम हो जाता है, फिर वो ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाता है। फिर हम लोग धन कमाने में, नाम कमाने में जुट जाते हैं, दुनिया घूमने में लग जाते हैं। इसलिए स्ट्रगल जिसको कहते हैं ना, वो वर्ड ठीक नहीं है, उसका नाम होना चाहिए ट्रेनिंग पीरियड। ट्रेनिंग। क्या बात है। ये कुछ नया सीखने को मिला आपसे। आपका एक एक सीडी था, नूरानी चेहरा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। उसके बारे में कुछ हमें बात। असल में हमने जो गज़ल भजन गीत सब रिकॉर्ड किए, वो जो उसका टाइटल देते हैं ना, वो लोग तो म्यूज़िक कंपनी दे देती है, हमको पता नहीं होता कि क्या टाइटल वो लोग रखा और रिलीज़ किया। तो उसमें भी नगमे, गज़ल भजन सब कुछ थे और वो बहुत पॉपुलर हुआ। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर हुआ वो भजन संध्या हुआ। अच्छा। जिसमें ऐसी लागी लगन, हाँ बहुत खूबसूरत था, जग में सुंदर है दुना, मैया मोरी मैनी माखन खाई, उसमें सब एक से एक सुंदर भजन थे। तो उसी से एक्चुअली मेरा नाम जो हुआ है वो उसी भजन संध्या से हुआ। क्या बात। तो 59 ईयर्स की आपने बात की कि आपने 6-7 साल में ही शुरू कर दी कॉन्सर्ट। तो ये 59 ईयर्स की जो यात्रा रही है आपकी, और मैं समझता हूँ कि आप हमेशा अव्वल नंबर पे रहे हो। तब तो कोई सोशल मीडिया का भी ज़माना नहीं था, सोशल मीडिया तो अभी अभी आया है, फिर भी आपकी पब्लिसिटी, इतने प्रतिस्पर्धी आपके साथ में थे, फिर भी अनूप जलोटा एक अलग हटके हुआ करते थे। असल में मैंने जीवन में सबसे महत्व जो जिस चीज़ को दिया है वो है डिसिप्लिन, कि समय से काम करना, समय से तैयार होना, समय से अपना रियाज करना। रोज़ सुबह उठ के मैं अपनी जल नीति करता हूँ, योगा करता हूँ, एक्सरसाइजेस करता हूँ, कभी बेकार में ऐसे बैठ के गपशप नहीं करता। मैं तरीके की बातें, अच्छी बातें, अच्छे संतों से मिलना, विद्वानों से मिलना, समाज
सेवकों से मिलना, ज्ञान ज्ञान उससे बातें करते प्राप्त हो, कुछ ना कुछ हर वक्त प्राप्त हो, कुछ ना कुछ मिले। बेकार में समय नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो हैं थोड़ा समय है काम करने का जीवन में। अगर आप किसी की एवरेज एज 60 साल लगा लीजिए तो 20 साल तो वो सोता रहता है, 1/3 सोता है 8 घंटे, तो 20 साल तो वो सो रहा है एकदम 60 में, अब बचे 40, तो उसमें 4-5 साल वो नहा रहा है 4-5 साल वो पिक्चर देख रहा है, 4-5 साल वो ट्रैफिक में फंसा हुआ है। तो बचते हैं मुश्किल से 10 साल काम करने के, उसको भी अगर गंवा दिया तो लाइफ व्यर्थ हो जाएगी एकदम से। तो लाइफ का जो टाइम है, टाइम का कितना इम्पोर्टेंस है, अच्छी तरीके से समझाया। आप एक चीज देखिए कि जिन लोगों ने महान कार्य किए हैं जीवन में, वो 3-4 घंटे सोते हैं। मोदी जी 3-4 घंटे सोते हैं, इंदिरा जी भी 3-4 घंटे सोती थी। तो जिन लोगों ने अपने जीवन में बड़े काम किए हैं वो सोते कम है, क्योंकि वो सोने से वो समय आप केवल शरीर को दे रहे हैं, आपका चिंतन बंद हो जाता है। तो क्यों ना हम रिलैक्स्ड फील करें, जिससे शरीर भी आपका स्वस्थ रहे और आप काम भी करें। तो मैं भी बस 3-4 घंटे सोता हूँ, क्या बात, और मैं काम करता हूँ। आज की जो युवा पीढ़ी है वो सिंगिंग में शौक रखती है और बॉलीवुड के स्टेज पर जाना चाहती है, बॉलीवुड सिंगर, लेकिन देखा गया है कि गजल और भजन में कोई खास रुचि नहीं होती, इसका क्या कारण? देखिए गजल में तो अब मुश्किल है उनकी रुचि होना आगे चल के, क्योंकि आज की पीढ़ी को हिंदी ठीक से नहीं आती तो उर्दू कैसे आएगी, वो तो उर्दू लैंग्वेज अल्फाज ठीक से उर्दू। अच्छा, फिर भजन की बात यह है कि सबके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा है, हर एक के अंदर, कोई भगवान का दुश्मन नहीं, सब भगवान का प्रेमी है। एग्जाम देने जाता है तो जरूर भगवान को नमस्कार करेगा अच्छा, वो माइकल जैक्सन को नमस्कार करने जाता है, भगवान को, इसका मतलब सबके अंदर भगवान है, वो उसको पता है, बस उसको जरा सुंदरता से भगवान के दर्शन करा दो। अगर ऐसे भजन होंगे, ऐसी लागी लगन अच्युतम केशवम, तो क्यों नहीं सुनेंगे, वो जरूर सुनेंगे। बड़ी मीठी मीठा भजन है, बस सुंदर चीज सुनाइए तो सुने। एक सवाल मेरे मन में कि अनूप चलोटा अगर गजल और भजन नहीं गाते तो क्या करते? मैं क्रिकेट प्लेयर होता, मैं बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता था, क्या बात, अपने कॉलेज डेज में। और ये हमारे सब मित्र हैं, सुनील गावस्कर जी, कपिल देव, किरण मोरे जी बरोडा, तो ये सब हमारे मित्र हैं, तो इनके साथ हम बैठ के अक्सर कुछ क्रिकेट की बातें करते हैं और समय गुजारते हैं। जीवन में आपने बहुत कुछ हासिल किया है, वक्त नहीं है आपके पास क्योंकि आप बहुत बिजी शेड्यूल रहता है आपका, लेकिन अगर वक्त मिले तो ऐसी कौन सी चाह आपके दिल में हमेशा रही है कि अगर मुझे वक्त मिले तो मैं ये भी करना चाहूँ? मैं आपको बताऊँ, एक मेरे अंदर जो रिग्रेट है, एक अंदर होता है ना कि हाँ, यस यस, वो ये है कि मेरा नाम जरा जल्दी हो गया मैं उन दिनों पिताजी से विधिवत सीख रहा था, क्लासिकल म्यूजिक सीख रहा था, विभिन्न राग सीख रहा था, और मेरा अचानक वो एल्बम बहुत फेमस हो गया, रंग दे चुरारिया ऐसी लागी लगन भजन संध्या, तो मेरे दुनिया भर में नाम हो गया। अब लोग मुझे यहाँ बुला रहे, वहाँ बुला रहे, घूमने में लग गए। जैसे मैंने पहले बताया ना, स्ट्रगल जिसको कहते हैं वो ट्रेनिंग पीरियड चला गया, फिर हम भी थोड़ा मायाबो के चक्कर में पड़ गए, दुनिया घूम रहे, नए नए गर्म जोशी थी अंदर। तो मुझे ईश्वर ने अगर 5 साल बाद ये फेम दिया होता तो मैं और अच्छा गाता, ये मैं जानता हूँ। क्या कनुभाई टेलर, डॉक्टर कनुभाई टेलर जो पद्मश्री अवार्डी हैं, उससे आप बहुत बड़े घनिष्ठ संबंध है आपके, बहुत बहुत, उनकी जो संस्था है बहुत अच्छा काम करते हैं, तो क्या प्रतिभाव देना चाहोगे? देखिए कनुभाई जैसे लोग हैं ये कभी कभी सेंचुरी में आते हैं, जो लोग अपना पूरा जीवन जो है वो अच्छे काम में लगाते हैं, जैसे इन्होंने विकलांगों के लिए लगाते। तो होना ये चाहिए कि इनको, इनके नाम को पहले समझना चाहिए, कनु भाई टेलर का नाम है ये जो है, ये विकलांगों के भाग का टेलरिंग करते हैं
उनको जीवन में जो चीज़ें नहीं मिलने वाली थी वो उनको टेलरिंग करके दे रही। मैंने तो प्रधानमंत्री ऑफिस में इनके लिए सिफारिश की, तो भारत रत्न है, ऐसे लोगों को भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि इनको देख के और लोग आएंगे काम करने। अगर इनको सम्मान मिलता है तो दूसरा सोचेगा यार हम भी करते हैं, हमको भी सम्मान, कुछ उस तरह भी आएंगे। तो हम चाहते हैं कि कनु भाई को बहुत सम्मान मिले, और वैसे भी इनकी बात सभी मानते हैं। मुझे इन्होंने एक फ़ोन कर दिया कि आना है और ये कार्यक्रम करना है। मैंने कहा जी जो आपकी बात ना माने वो पापी है। तो मैं तुरंत आ गया, जैसे इन्होंने आज्ञा कर दी। तो हमारा इनसे बड़ा प्रेम है, इनकी इंस्टीट्यूशन में हम गए हैं पहले, सबसे मिले हैं और बार बार जाएंगे, संबंध इनसे ऐसा है। तो ये गजल भजन के बीच में आपको सेवा का भी मौका मिलता होगा, तो क्या आप... बहुत बहुत सेवा का मिलता है। हम मेरी एक फाउंडेशन है जलोटा फाउंडेशन, उसके माध्यम से हम इसी तरह लोगों की मदद करते रहते हैं जिसको ज़रूरत होती है, और बड़े बड़े कलाकारों को हम अवार्ड भी देते हैं, जैसे पंडित जसराज जी से लेके जितने भी बड़े कलाकार हैं उन सबको हमने अपने पिताजी के नाम का अवार्ड दिया है, जिन लोगों ने भजन में सेवा की है, जैसे अनुराधा जी हैं, अनुराधा पुरवाल हैं, नरेंद्र चंचल हैं, आशीष देसाई जी हैं, पुरुषोत्तम उपाध्याय जी हैं, तो इन सबको हमने रविंद्र जैन जी के नाम का अवार्ड और पंडित हरिओम शरण जी के नाम का अवार्ड दिया है। हरिओम शरण तो हाँ, तो उन सब के नाम का हम अवार्ड सबको देते हैं। तो जो सेवक हैं इस क्षेत्र के उन सबको सम्मानित जरूर करना चाहिए, तो हमारी संस्था करती है। अंत में एक भजन या गजल जो आपका प्रिय हो, हाँ सुनिए, उसको थोड़ा सा गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। जग में सुंदर है दोना, क्या बात, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे, प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के हैं काम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। बहुत खूब। तो दर्शक मित्रों, ये थे हमारे साथ भजन सम्राट अनूप जलोड़ा जी। खूब अच्छी बातचीत की उनसे, बहुत बढ़िया संवाद हुआ, और काफी चीज जो आपको नहीं पता था वो उन्होंने आज अपने मुझसे खुलकर आपसे बात की। तो दर्शक मित्रों, कला जगत का ये कार्यक्रम यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। दोबारा उपस्थित होंगे एक विशेष कलाकार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। अच्छा।